The beauty of Pakistan. Dirlay Lake एक बहुत बड़ी लेक है. अच्छा जी, ताबा झील से भी ये बड़ी झील है. यार पानी दे बेच भी कोई लाइटां कैसियां वाई दिया पहिया ने आए हुए. ये हम आए हैं जी, फिर वापसी जा रहे हैं. क्या था वो? ये एक सड़क जा रही है, ये वाली सड़क जो होती है ना, ये जाती है मिनी मार्केट. और ये वाली जो सड़क है ना, ये वाली वो ऊपर से जो लड़के आ रहे हैं, ये वाली ये सड़क जाती है वो क्या था जहाँ कल हम गए थे, दरले लेक की तरफ. तो यहाँ से ये दो सड़कें होती हैं, ठीक है जी. और ये व्यू देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा व्यू है जी. इस सड़क से आगे जाके पुल से नीचे होना है, ठीक है, जो दरले लेक को जाएगा. अभी हम तिरशिंग व्यू पॉइंट नागा पर्पस से नीचे उतर रहे हैं. ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई से हम नीचे आ रहे हैं कि गाड़ी देखें बिल्कुल 5-7 की स्पीड से चल रही है. अगर आप कार पे आते हैं तो आप कार ये नीचे जो गांव है तिरशिंग, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे दो सड़कें होंगी, जो एक सड़क ऊपर को जाएगी और एक सड़क नीचे रपाल गांव की तरफ जाएगी. आपने ऊपर वाली सड़क पे जाना है जहाँ ये व्यू पॉइंट है. ऊपर 4x4 गाड़ी जाती है, कार नहीं जाती. तो आप अपनी कार को वहीं कहीं साइड पे पार्क करें और पैदल आप इस व्यू पॉइंट पे आ सकते हैं. ये तकरीबन 20-25 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की हाइकिंग होगी. इतना लंबा सफ़र करके बंदा जब आता है ना तो गाड़ी में बैठ के थक भी जाता है, तो हाइकिंग करना कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, आप आराम से ऊपर आ जाएंगे. तिरशिंग व्यू पॉइंट पे आपको अकबर भाई की एक कैंपिंग साइट मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत है. वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई है, जहाँ से एक रोड जोंस है ना, वो अभी गाड़ी नहीं उधर जाती, वो रुपाल की तरफ जाता है. और उसके नीचे जोंस है ना, बहुत ही ग्लेशियर हैं जो बहुत ही मिट्टी और पत्थरों से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो नाला आता है इसका पानी बहुत ज़्यादा मैला है, ये गंदे ग्लेशियर की वजह से. और व्यू पॉइंट से जो पैदल रोड जाता है ना रुपाल गांव की तरफ, उस पे आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा पत्थर नज़र आएगा, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में डाला है, जिससे कश्मीर की याद ताज़ा हो जाती है. वो भी मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ जी. ये है वो मेरी पिछली वीडियो का थंबनेल और उसकी पिक्चर. तिरशिंग नंगा पर्वत व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मज़ेदार है. मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले दरले लेक जाएं और वापसी पे इधर आकर कैंप भी आपको मिल जाएगा. अगर आपके पास कैंप नहीं है तो कैंप उन्होंने लगाए होते हैं, कैंप आपको रेंट पे अवेलेबल है. आप यहाँ आके स्टे करें, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है. मैनेज नाल करनी पैंदी है. अगर जीप 10 मिनट में जाती है तो आप इंशाल्लाह पैदल 5 मिनट में चले जाएंगे, क्योंकि जीप बहुत स्लो चलती है. यहाँ हाइट है, चलो बस बंद कर दो. चढ़ाई का टाइम आपका आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा. उसी तो यूज़ होना अपना कैमरा बंद कर दिया जाना आपने. थोड़ा ये ऊपर है, आप जहाँ से दो सड़कें होती हैं ना, रुपाल वाली और वाली, उधर से आपने जाना है. और अगर खुदा ना हास्ता तो गाड़ी आ जाए तो यहाँ गाड़ी टर्न करने वाला कोई चीज नहीं. ये हम जा रहे हैं जी रट्टू की दरले लेक, और इंतहाई तकलीफ दे सफर के बाद ये आएगी. और क्या कहते हैं, जन्नत पाने के लिए मरना जरूरी है, ये मरने के बराबर ही है जी. वो की जगह ये ऊपर देखे, कितना जबरदस्त व्यू पॉइंट आया है. आर्मी है, शायद हो सकता है आर्मी हो. शेर दिखाला. लेकिन इस जगह पे कार आ सकती है क्यों जी? ਕਾਰਾਂ ਰਸਤੇ ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਗਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਦੀ. ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਆਖਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਨਾ. ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਆਖਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ. ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਰੱਟੂ ਯਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਲੇ ਲੇਕ ਕੋ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਦਰਲੇ ਲੇਕ ਕੋ
कितना कितनी दूर है यहाँ से? कोई आधा घंटे का सफर। दरले दरले का? अच्छा बस ठीक हो गया। इधर से खुंडियाँ मिल जाए, ब्रीक खुंडी मिल जाती है इधर से मछली पकड़ने के लिए? आगे कांटा, ब्रीक कांटा फड़िया ये है ना, फड़ी कांटे वो फांसी चाहिए, फंदा नहीं, कांटा 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 ब्रीक कांटा यार को ले लो जा, तू उधर सारा कोई लाभ से मिलेगा ना, वो उन्हें टंगे थे नहीं वे तो दुनिया का है ना। ये हम पहुंच गए हैं जी, ये रट्टू है जी। जी जी ये रट्टू है, रट्टू है, रट्टू की ये शॉप है। इधर से हमने कांटा खरीदना है मछली खरीदने के लिए, पकड़ने के लिए। एक रोड इधर जा रहा है और एक इधर से जा रहा है। ये सामने से ये दरिया के साथ साथ आना है, ये सामने ब्रोजर खड़ा है। इशारा पहले कर रुकता एंड दे मौके पे पूछ दियो। ये दर्रे ले को इधर से जाएगा, इधर से तो नहीं ना जाना, यही है ये दर्रे ले का रोड, यही है जी। वो उधर ना छोड़ के जाना है रट्टू, जिला है ना आर्मी पब्लिक स्कूल है बड़ा बड़ा, वो उधर वो परले पास जाना पड़ता है, वो छोनी दे विच होदी जिला ना, वो नहीं सही, वो फिर है दरिया को आर्मी तक जाना। रट्टू ब्रिज जब आप क्रॉस करते हैं तो आगे एक दीवार आएगी बड़ी लंबी सी, उस दीवार के अंदर ही गेट बना हुआ है, वो गेट के अंदर आपने आ जाना है, जो रोड यही रोड जो है दरले लेक की तरफ जाता है, और आगे 3-4 किलोमीटर बाद ये ब्रिज जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, देखने वाले व्यू हैं जी। और इसके आगे जो है ना जो रोड है वो बिल्कुल पक्की बन गई हुई है, बिल्कुल कारपेट रोड है। रट्टू से आगे जब आप जाते हैं तो ये रोड जो है ना पक्का बन गया हुआ है, दरले लेक का ये रोड अभी बहुत जबरदस्त बन गया हुआ है। और साथ में ये व्यू देखें, पीछे तो रोड बहुत गंदा था, अभी रोड बहुत जबरदस्त है, स्पीड जाओ जी। और इधर हर किस्म की गाड़ी आ सकती है, इधर कार आ सकती है, तिरशिंग के व्यू पॉइंट पे नहीं जा सकती लेकिन इधर कार आ सकती है। आगे हमारे सामने 2 करोला गई हैं। तिरशिंग तक भी गड्डी जा सकती? नहीं यार, सर करोला लेके और सिटी लेके नहीं गए थे बहरहाल ज्यादा, अगर तुम तिरशिंग भी जानते हो ना तो तिरशिंग गांव में गाड़ी खड़ी करें और आगे 15-20 मिनट की हाइकिंग है, वो हाइकिंग करें और आप चले जाएंगे व्यू पॉइंट पे। ज्यादा 20 मिनट, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा लग जाएगा। ये देखे ना ये करोला आई है, ये भी कोई टूरिस्ट है, ये देखे वाह। ये दरियाए दरले के किनारे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा एक गांव आया है, और ये बहुत ही पुराना एक गांव है जिसके मकान जो नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही ओल्ड विलेज है ये, और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। गलत रोड पे चले गए थे, वो जहाँ से ना आप गुजरते हैं ना रट्टू से जब आप दाएं की जाते हैं ना दरले लेक की तरफ, तो एक आता है रोड सीधा चला जाता है दरले चला जाता है। नहीं नहीं यार बोलते ना थोड़ी मेहरबानी, रट्टू से जब आप जाती है ना दरले लेक की तरफ तो जो पहला ब्रिज है वो क्रॉस करती हैं, तो एक रोड आगे जाके सीधा जाता है, एक जाता है छोनी के बीच में से, आपने जो कैंट का एरिया है ना उसके बीच में से जाना है। वो नहीं है वो ही ना, वो एनजी लगता है परले पासे वो कैंट अगे वे ना वो एनजी लगता है पासे नहीं जाना बिलकुल बिलकुल ऐसा ही है, जो छोटा जा गेट जहा बनिया जाना है
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਦਰਲੇ ਲੇਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਰੋਡ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਛਾਈ 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 ਕੇ ਛਾਈ ਗਾਓ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਭੀ ਇਹ ਟੂਟਾ ਹੁਆ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਤੱਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਹੁਆ ਥਾ ਅਭੀ ਦਰਲੇ ਲੇਕ ਕਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੂਟਾ ਹੁਆ ये स्लाइडिंग एरिया शायद इसीलिए नहीं बना चले ठीक हो गया अभी ये देखें कि इधर कैरी डब्बा भी आता है प्लान ये करी डब्बा भी आ गया दरले लेक की तरफ जाते हुए इतना मुश्किल नहीं है इधर तकरीबन हर किस्म की गाड़ी आती है अच्छा जी अताबा झील से भी ये बड़ी झील है अलग चीज पर वो ग्रीनरी के बीच यार की व्यू ने यार ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਕੇ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ ਵੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੇੜੀ ਜਾਓ ਬਸ ਰੇੜੀ ਵੀ ਜਾਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਟੇ ਤੋਂ ਟਾਇਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੇਕ ਹੈ ਬੜੀ ਜੀਲੋ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ और ये दुनिया इधर बहुत कम आती है सिर्फ ये रोड खराब होने की वजह से थोड़ा पानी आवे मछली देखें जी ये दरले लेक का व्यू पॉइंट ये पहले गाँव है ये छोटा सा बहुत ही खूबसूरत इधर गया गाँव ये आ गया गाँव कैसी जबरदस्त लोकेशन पे ये गाँव है ये ऊपर देखें माशाल्लाह अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इधर से ये नीचे दरियाए दरले और ये दरियाए दरले जो उनसे ये निकल रहा है ये दरले लेक से व्हाट अ ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान दरले लेक एक बहुत बड़ी लेक है इसमें बहुत मज़ा आएगा जी रात को फिशिंग करने का कैंपिंग करने का बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ये देखें ये इसका सामने वाला व्यू ये चीज़ें मुझे ना क्या वो GoPro कैमरे के ऊपर बनानी नहीं आती इसको जूम कर से करना है कैसे ये करना है ये कर ले देख व्हाट अ ब्यूटी यार व्हाट अ ब्यूटी और इस लेक का जो सोर्स है वो काला पानी और दूसरा जो सा है वो दियोसाई योसाई से ये पानी और काला पानी से ये पानी मिल के ये दरले लेक में आता है और ये देखें पहाड़ नीचे ऊपर है और जो बादल हैं वो नीचे हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू और ये मैं आ गया पता नहीं मेरी तस्वीर कैसी आती है आप नज़र कैसी नहीं आती और ये हमारी गाड़ी है ऊपर हमने कैंपिंग का सारा सामान वगैरह रखा हुआ है भाईजान हॉर्न पे हॉर्न मार रहे हैं कि आ जाओ और हमारा दिल नहीं कर रहा यहाँ से हिलने के लिए चलें जी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें शुक्रिया थैंक यू वेरी मच